किस तरीके से अब मतदान के बाद पेटियों को सील किया जा रहा है, बाकी जो तस्वीरें हैं, मौजूदा हालात हैं, हमारे सहयोगी नीतीश से जानते हैं। ओवर टू यू नीतीश। आप देखिए, इस वक्त हम जो यहाँ पर मतदान का जो स्थल था उसके ठीक बाहर मौजूद हैं, और आप देखिए यहाँ पर जो मतपेटियाँ हैं उनको सील किया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि इनकी मौजूदगी में ही जो मतपेटी है उसको सील किया जाता है। और इसके साथ ही अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। 44 में से 40 मतदान यहाँ पर पड़ चुके हैं। और इस बार आपको बताऊँ, पूरे दिन की जो स्थिति थी, मतदाता इस बार काफ़ी संख्या में उत्साहित दिखाई दिए, चाहे वो शहरी मतदान केंद्र हो, अगर बात करें तो नगर निगम का मतदान केंद्र हो, या जिला पंचायत का जो ऑफिस है वहाँ मतदान केंद्र बनाया गया था, तो यहाँ पर भी उत्साह दिखाई दिया। सुबह सुबह जो मंत्री और नेता और विधायक थे वो यहाँ पर आते रहे। और इसके साथ ही अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जैसे चिरई ब्लॉक और अन्य जगहों पर जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहाँ पर जो मंत्री हैं स्थानीय वो तो पहुँचे। इसके साथ ही जो ग्राम प्रधान और जो BDC सदस्य हैं, और इसके साथ ही जो भी यहाँ के वोटर थे, वो सब लगातार पहुँचते रहे। यानी जो मतदान का जो केंद्र है वहाँ पर काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। और इसके साथ ही अब ये जो मतपेटी है यहाँ से जो स्ट्रांग रूम है वहाँ तक ले जाई जाएगी। और इसके बाद जो स्थिति है कि आगे आने वाले दिनों में कौन विजेता बनता है, किसके भाग्य का क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा और नज़दीक आएँ और इस ये जो दृश्य है इसको दिखाएँ कि जो मतपेटी का यहाँ पर सील हो रही है उस सीलिंग की प्रक्रिया कितनी किस तरह से है। एक बार थोड़ा सा और नज़दीक जाकर दिखाना चाहेंगे कि जो मतपेटिका है यहाँ पर सील हो रही है। आप देखिए, ये जो पोलिंग एजेंट हैं ये मौजूद हैं, और इनको इसलिए बुलाया जाता है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के बीच जो मतदान की प्रक्रिया कराई गई है, उसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया को भी लोग देख लें, पूरी तरह से संतुष्ट हो लें, और उसके बाद जब मतपेटिका सील यहाँ पर हो जाएगी तो उसके बाद जब मतगणना होगी तो उस वक्त भी जो इनके जो लोग होंगे वो वहाँ पर मौजूद होंगे जब निकाली जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो मतपेटिका है वो यहाँ पर सील हो रही है। आप सीलिंग की प्रक्रिया देखिए। और जैसा कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि जो MLC का चुनाव है, MLC का चुनाव कहा जाता है कि ये वो चुनाव है जो चुने हुए प्रतिनिधि इस पूरे चुनाव में वोट देते हैं। और इस बार प्रतिनिधियों ने इस चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह दिखाया है। एक वक्त वो भी किसी के वोट पाकर और प्रतिनिधि बनते हैं, और उसके बाद अब ये लोग यहाँ पर वोट दिए हैं। और आपके सामने ये जो मतपेटिका है, इसी मतपेटिका में वाराणसी के MLC सीट के 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद है, जो आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम के रूप में सामने आएगा। हम अब देखिए, आप अधिकारी यहाँ पर रुक रहे हैं तो हम एक बार पीछे आना चाहेंगे, चूँकि दायरा है तो अब हम एक बार फिर से पीछे आना चाहेंगे, विशेष जरा सा पीछे चलें। तो जो मतदान केंद्र अब है, मतदान केंद्र के बाहर के भी हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी अब अपना काम समेट के और एक किनारे पर खड़े हैं। बाहर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जो सुरक्षा कर्मी हैं ये दिन भर मुस्तैद रहे और दिन भर अपने जो पुलिसिंग है उसको निभाते रहे। और दूसरी ओर ये देखिए, सुरक्षा के जवान भी यहाँ पर हैं, ये भी अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं चूँकि मतदान की प्रक्रिया को इन्होंने संपन्न करा लिया है, शांतिपूर्ण मतदान। और इसके साथ ही एक गाड़ी भी बाहर दिखाऊँ, जो गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, इस गाड़ी से जो मतपेटिका है वो पहाड़िया मंडी तक ले जाई जाएगी। तो वाराणसी में मतदान की प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है, जो मतपेटिका है उसे सील किया जा रहा है और अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। जो भाग्य है वो मतपेटिका में बंद है, जो मतदाताओं का फैसला है वो मतपेटिका में पूरी तरह से बंद है। जी,